चंपारण टाइगर इंसानी मांस का इतना ज्यादा भूखी हो चुकी थी कि इसने 436 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसके दाना होने के पीछे भी एक कहानी है। चंपारण टाइगर का आतंक इतना ज्यादा फैल चुका था कि इसे मारने के लिए नेपाल सरकार को चंपारण टाइगर के पीछे आर्मी तक लगानी पड़ गई। चंपारण टाइगर ने नेपाल में 200 लोगों को मारकर जो आतंक फैलाया था, उस आतंक को देखकर वहां की सरकार को मजबूरन आर्मी की मदद लेनी पड़ी। लेकिन आर्मी भी चंपारण टाइगर का कुछ नहीं कर पाई, बल्कि उल्टा ही कुछ आर्मी वाले इसका शिकार बनते चले गए। फिर आर्मी द्वारा एक संगठन बनाया गया और चंपारण टाइगर को उसकी टेरिटरी से भगाकर शारदा नदी के किनारे छोड़ दिया गया। शारदा नदी का आधा हिस्सा नेपाल में और आधा हिस्सा इंडिया में है, और यहीं से ही चंपारण टाइगर की एंट्री इंडिया के अंदर हो जाती है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा।